नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पहले से गर्म बिहार की सियासत और गर्म हो चली है और यह गर्माहट एनडीए के अंदर खाने बढ़ गई है, क्योंकि बयान सामने आया है। बयान यह है कि नीतीश मॉडल फेल हो चुका है, नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देना चाहिए। यह बयान है बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का। संजय पासवान के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि संजय पासवान न सिर्फ बीजेपी के एमएलसी हैं बल्कि बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका जो बयान सामने आ रहा है वो बयान यह है कि बिहार में नीतीश मॉडल फेल हो चुका है, नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, प्रदेश का नेतृत्व दूसरे नेता को सौंप देना चाहिए। और ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है और उन कयासों को पुख्ता करता है, उन अटकलों को पुख्ता करता है कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती बस टूटने वाली है। सिर्फ इस बयान का मसला नहीं है और सिर्फ ये बयान नहीं है, जेडीयू और बीजेपी के बीच बयानों का लंबा वार और पलटवार चला है, जो अक्सर उन कयासों को पुख्ता करते हैं कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती बस टूटने वाली है, औपचारिक ऐलान ही बाकी है। चाहे गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार को सलाह हो कि आप दिखावा न करें, उसके बाद गिरिराज सिंह पर जेडीयू नेताओं का हमला हो, तीन तलाक धारा 370 को लेकर आने वाले बयान हो, या तमाम दूसरे मसलों पर बयान हो, या फिर बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय का यह बयान हो कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती तेल और पानी वाली है, जिसमें नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के बयान सामने आए हैं। जेडीयू के सांसद हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं पवन वर्मा, उनका बयान भी आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ ले, जेडीयू भी तैयार है, जेडीयू की अपनी पूरी तैयारी है। तो लगातार इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं और इस तरह के बयानों से ये कयास पुख्ता होते दिखाई देते हैं कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार के नारे को लेकर सीपी ठाकुर का बयान हो, तो अक्सर ये बात सामने आती है और लगातार इस तरह के ऐसे बयानों की फेरिस्त लंबी है, उन राजनीतिक घटनाक्रमों की फेरिस्त लंबी है जो ये संकेत देते हैं कि दोस्ती दरक रही है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह दरक जाएगी। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के बयान ने एक बार फिर इन अटकलों और कयासों को पुख्ता कर दिया है कि और ये सवाल छोड़ दिया है कि क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। Dot care app solution at your fingertips.